हाय, दिस इज राम प्रोफेसर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक XUV 700 का हमारा एक्सपीरियंस। आप जैसा देख सकते हैं, मैं अपने XUV 700 में अभी बैठा हुआ हूँ। ये हमारी डीजल ऑटोमेटिक कार है, X7। मैंने अभी रिसेंटली ही इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद मैंने काफ़ी सारे चेंज इन बिहेवियर गाड़ी का देख रहा था, तो उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी मैंने देखा कि स्पीड बूस्टेड जो हेडलाइट की इसकी जो टेक्नोलॉजी था, जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया था कि जैसे ही आप एक सर्टेन स्पीड के ऊपर, 120 के ऊपर या 80 के ऊपर क्रॉस करते हैं, तो आपकी जो हेडलाइट है वो उसका थ्रो बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से स्पीड चेंज करने पे आपका ऑटोमेटिक हेडलाइट का जो लाइट का जो थ्रो है वो बढ़ जाता है। अभी मैं जिस हाईवे पे हूँ, ये बेंगलोर मुंबई हाईवे है। बेसिकली इसका जो स्पीड बूस्टर लाइट्स है ये आज तक टेस्ट नहीं हो पाया था, तो ऑल ऑफ ए सडन इस अपडेट 7.0 में जो अपडेट आया है, उस अपडेट के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि वो वर्क कर रहा है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है। उसमें जो ग्रे एरियाज है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आपको ऑलरेडी पता है कि XUV 700 में बहुत सारे लाइट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होते हैं, बहुत सारे लाइट्स आते हैं, जैसे आपका फॉग लैंप हो गया, जैसे आपका कॉर्नरिंग लैंप हो गया, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंप होता है। उसके बाद नॉर्मल जो अपर डिपर का लैंप होता है वो होता है। इन सब के अलावा स्पीड बूस्टर हेडलाइट्स इसके अंदर है। तो वो हेडलाइट्स कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ये डीजल का X7 लग्जरी वर्जन है, राइट। और अभी हम लोग चल रहे हैं हाईवे पे, बेंगलोर मुंबई हाईवे पे, और अभी आप देख सकते हैं हमारी जो स्पीड है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और लाइट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी कार की जो स्पीड है 64 है अभी, और अभी जो लाइट जल रही है अभी आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल लाइट है, ये लोअर लैंप है, और जब अपर करूँगा तो बढ़ जाएगी। दैट इज़ नेचुरल, वो होता है किसी भी गाड़ी में। आप जैसे अभी मैं अपर करता हूँ, ये किया, ये हुआ, और जैसे ही मैं 80 क्रॉस करूँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो गाइज, आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं हाईवे पे हूँ, अभी जस्ट टॉल से निकला हूँ, और अभी जो हमारी लाइट जल रही है ये नॉर्मल लाइट है, सो लोअर लैंप। और आपको ऑलरेडी पता है कितने सारे लाइट्स XUV 700 में आते हैं, उसमें से आपका कॉर्नरिंग लैंप होता है वो आपको बहुत ही असिस्टेंस प्रोवाइड होता है जब आप टर्न लेते हैं, स्पेशली अगर आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही यूज़फुल होता है, और टनल वगैरह में करते हैं तो। दूसरी चीज़ क्या है, अभी ये जो लाइट हमारी जल रही है कार की, ये नॉर्मल लाइट है, राइट। स्पीड है 70 की। अब मैं डीपर जलाता हूँ, ये आप देखिए, ये हमने डीपर जला दिया। अब जो हेडलाइट जल रही है हमारे कार की, XUV 700 की, ये नॉर्मल लाइट जल रही है, मतलब इसमें फॉग लैंप भी ऑफ है, नॉर्मल सिर्फ एक लैंप जो अपना लोअर लैंप होता है वो जल रहा है। अभी मैं डीपर जलाता हूँ, तब आप लाइट में डिफरेंस देखेंगे। ये देखिए, मैंने डीपर जलाया तो डीपर का ऑलरेडी थ्रो इतना हाई है। ऑडोमीटर पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंबल दिखता है जब आप नॉर्मल लाइट जलाते हैं, तो कोई भी हेडलाइट का स्पेशलाइज्ड बल्ब नहीं जलता है, लेकिन जब आप डीपर जलाते हैं तो डीपर के लिए एक स्पेशल आपका इंडिकेटर होता है, यहाँ पे किलोमीटर रीडिंग के जस्ट ऊपर में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो मैं दिखा पा रहा हूँ, ये ब्लू लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि आपका हेडलाइट जल रहा है, और आप ऐसा भी देख सकते हैं अगर नाइट में चल रहे हैं तो। लेकिन जब आप 80 का स्पीड क्रॉस करेंगे और स्पीड बूस्टर किक इन होगा ऑटोमेटिकली, तब एक और इंडिकेटर आपको जलेगा, विच यू शुड नो कि ये कौन सा है और कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि क्या ये चल रहा है। तो अभी हमारी कार जैसे आप देख पा रहे हैं 62 के स्पीड में चल रही है। तो अभी हमारी कार जैसे आप देख पा रहे हैं कि 69-70 के आसपास में चल रही है। मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है थोड़ा सा ज़्यादा, अभी 70-80 के ऊपर मैं सेट कर देता हूँ, 80 के ऊपर मैंने सेट किया। अब जैसे ही होगा, ये देखिए लाइट बढ़ी, ओके। यहाँ पे एक बूस्ट करके लिखा आ जाता है। अब मैं ब्रेक मारता हूँ और ये लाइट बंद हो जाएगी। फिर से अभी 63 पे आ गया, उसके बाद फिर से जैसे ही जगह मिलेगी वैसे ही, जैसे फिर से जगह मिल गई है, 69-70
71 72 75 76 77 8, बाहर देखिए 79 80, अभी 80 तक नहीं है, 80 के ऊपर, तो 81 जैसे हुआ, ये देखिए लाइट बढ़े, सामने लाइटिंग का इफेक्ट देखिए। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 79 किया मैं, थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो 74 किया, ये बंद हो गया। ओके, तो ये एक विजिबल बहुत ही सीधा लाइट डबल हो जाता है, बट इसमें एक ग्रे एरिया भी है जो भी मैं आपको बताऊँगा। 76 ये नॉर्मल चल रहा है, दोनों लाइट्स ऑन हैं, और मैं फिर से तीसरी बार 81 पे करता हूँ, 80 हुआ, 81 लाइट्स ऑन। और अभी आप देखिए बाहर की लाइट्स कैसे है, राइट। इसके अंदर जो ग्रे एरिया है वो आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो स्पीड बूस्टेड जो लाइट्स हैं वो सारे लाइट्स नहीं हैं। अभी जैसा आप देख सकते हैं मैं 80 से नीचे गया हूँ, नॉर्मल हेडलाइट है, अपर डिपर दोनों चल रहा है। अब मैं राइट लेन में ले करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, मैंने स्पीड बढ़ाया है, ओवरराइड किया है, और अब वापस मैंने कंट्रोल दे दिया है एडास को, और एडास से चल रही है, 80 की स्पीड चल रही है हमारी कार की, 81 हुई है, और हमारी लाइट का जो थ्रो है वो बढ़ चुकी है। बट एक चीज़ है, यही चीज़ अगर मैं रिप्लिकेट करूँ इसके ऊपर मैं देखूँ, नॉर्मल हेडलैम्प, तो नॉर्मल हेडलैम्प में काम करता हूँ मैं, स्पीड थोड़ा सा कम करता हूँ, तो स्पीड थोड़ा सा मैं कम किया, 80 से नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, 79 चल रही है, 77। अभी आप देखिए जो लाइट आपको दिख रही है, और अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, आप ऑडोमीटर पे देखेंगे, और मैं 81 क्रॉस करता हूँ, अब 82 आ गया, 85 आ गया। ओके, तो लाइट का थ्रो जितना है उतना ही है, कहने का मतलब कि जो आपका स्पीड बूस्टर हेडलाइट है वो सारे हेडलाइट नहीं है, वो सिर्फ आपके अपर हेडलाइट जो है, जो फॉरवर्ड थ्रो देता है वो स्पीड बूस्टेड है। ओके, तो अभी मैं दोबारा से वही चीज़ 80 क्रॉस करा के आपको दिखाता हूँ, तब आपको आइडिया मिलेगा। तो आप जैसा देख सकते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड खुला मिला है, तो अब 81 क्रॉस हो गया, 80 हो गया है, और थोड़ा सा अभी और बढ़ाऊँगा, तो ये लीजिए, ये बढ़ गया, और लाइट का थ्रो देखिए कितना बढ़ गया है, और मैं अगर कम करता हूँ तो ये कम ऑफ हो जाएगा, जैसे 77 है, वापस देखता हूँ कितने पे ये बंद हो रहा है, 75 के नीचे गया तो बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब 81 से जैसे ही ऊपर होता है तो आपका जो कहने का मतलब जैसे 81 से ऊपर, 81 या उससे ऊपर स्पीड क्रॉस होता है तो आपका अपर बिल्कुल डबल हो जाता है उसका थ्रो, और 75 से नीचे जाता है जब स्पीड कम होते जाती है तब वो बंद हो जाता है। मुझे आशा है आपको आज का वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन से यू टेक केयर, बाय बाय।